एबीएन देख रहे समूह दर्शकों को हम लेके आए हैं फाजिलका अबोहर रोड पर गांव हीरावाली चौक के पास गांव बेगावाली में, जहां पर किसान यूनियनों द्वारा हीरावाली में लग रही शराब फैक्ट्री के विरोध में धरना लगाया गया और पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी के खिलाफ नारेबाजी करी गई। काफ़ी देर धरना चलने के बाद वहाँ मौके पर स्थानीय विधायक दुंदर सिंह घुबाया अपने साथियों के साथ पहुँचे और दुंदर सिंह घुबाया ने प्रशासन से बात करके किसानों को आश्वासन दिलाया कि उनके एरिए में किसी भी तरह की कोई भी शराब फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी, जिस आश्वासन के बाद किसानों ने एक बार धरना वहाँ से उठा लिया। पर किसानों ने कहा भी अगर फैक्ट्री का काम वहाँ से जल्दी बंद नहीं हुआ और लोग वहाँ से ना ही गए तो धरना और तेज़ कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और वहाँ पर क्या हुआ ये सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। मैं राकेश सारण हीरावाली भारतीय किसान यूनियन सिद्धोपुर मीत प्रधान हीरावाली सारण पिंड हीरावाली इकाई भारतीय किसान यूनियन सिद्धोपुर मीत प्रधान हीरावाली ये जो धरना लगे अजय धरना इतने MLA गुरु हरसाई तो गुरमीत सिंह राणा सोढी जेडे खेल मंत्री ने पंजाब दे वो एक तो शराब की फैक्ट्री ला रहे हैं। जे ये फैक्ट्री लग गई तो यह कमाई का साधन तो कला वो फैक्ट्री के मालक दे लई है, बाकी इतने आसे पासे तो यह समझो भी एक रोग का घर है, कैंसर आम हो जूगी, दम्मा जड़ा सादा रोग है वो आम हो जाएंगे तो इतने लोगों का जीना हराम हो जूगा। 20 किलोमीटर का जोड़ा एरिया है वो सारा बर्बाद हो जूगा। पीने वाला पानी पहला भी अपने कोई इन्ना चंगा है नहीं, कोई वाटर वर्क्स की भी कोई खास सुविधा है नहीं। जे फैक्ट्री लगती है तो आने वाली जनरेशन से बहुत माड़े प्रभाव पड़ेंगे, इसलिए इतने सारे इकट्ठे हुए हैं अज आसे पासे पिंडा तो भारतीय किसान यूनियन सिद्धोपुर वो भी साढ़े नाल खड़ी है मोढ़े के नाल मोढ़ा ला के भी ये फैक्ट्री इतने नहीं लगनी, जे लगती है तो यह एरिया सारा बर्बाद हो जाता वो खिलाफ़ ही धरना है जी। एक इतने रोज़गार नहीं मिलेगा नौजवानों फैक्ट्री निकलना, कोई रोज़गार नहीं मिलना सारी बाहर जे जे इतने रोज़गार मिलता तो MLA साहब ने इतने फैक्ट्री थोड़ी ना लानी सी, वो आपके इलाके च लाता उत्थे कोई 200-400 वोटा पक्या कर पर उन्हें पता है भी यदा नुकसान बहुत है फैक्ट्री लगती है तो जे आपके एरिए से फैक्ट्री लगती है तो वो वोटा टूट दी हैं, वोटा तो देनी दूर की गल है, लोगों ने चित्र मारने कल ये इतने लोग है जो उन्होंने ये भोले समझता है कुद्दू बना कहता है इतने टॉफी की फैक्ट्री है, किसी को कहता जूस की फैक्ट्री है। मैं कल सुनया बेगावाली एक मजदूर है मजदूरी करता है वह कहता भी सानू किसी ने दस्या बिजली बोर्ड का प्लांट लगता है, इस तरह लोगों ने इतने गुमराह कर रखे तो ये इतने इंडस्ट्री ला रहा जो शराब की फैक्ट्री ला रहा है तो ये कोई मजदूर नहीं लगना, जो मजदूर का फायदा होंगे तो उन्हें आपके इलाके से वोटा पक्या कर कोई मजदूर बार का ना इतने होर जो कोई कम करे 150 वो यूपी वाले करे ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੇ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਡਟ ਛੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੇ ਹਮ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ABN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਰ ਐਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।